Hello students, welcome back online classes. बेटा, आज के लिए online class जो आपको video मिल रहा है ना, वो बीच में क्या होता है कभी-कभी stop भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको video में से video मिलेंगे और भी आपको continue video जो send हो रहे हैं मिल रहे हैं, उन videos में आप थोड़ा सा study का level अपना अच्छे से करिएगा, जिससे आपको next class में कोई problem ना हो. तो आइए क्लास एलकेजी में हम क्या करेंगे, शब्द सिलेबस. क्लास एलकेजी में शब्द सिलेबस. मुझे भी पता है कि शायद हमारे जो बच्चे हैं ना, वो स्टडी के लिए बहुत थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टडी लेवल है ना, वो बहुत डाउन हो रहा है, बहुत कमजोर हो गया होगा. इसके साथ साथ मैं आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ डियर पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा सेल्फ टाइम दीजिएगा, जिससे आपके बच्चों का जो स्टडी लेवल है वो शायद लेवल में रहे, जिसमें आने वाले नेक्स्ट ईयर में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना झेलने पड़े. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास एल के जी में शब्द सुलेख. क्लास एल के जी में शब्द सुलेख में पेज नंबर 16 और 17. 16 पेज में भी लिखा है दो वर्ण वाले शब्द. आपको जो पीछे मैंने आपको एक वीडियो इसके पहले गया होगा, उसमें भी मैंने आपको शेयर करवाया था दो वर्ण वाले शब्द. इसमें भी आपको दिया हुआ है दो वर्ण वाले शब्द. तो इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना और धीरे धीरे आपको हिंदी पढ़ने का ज्ञान सीखना है. जब आप दो वर्ण वाले शब्द मिला मिला के पढ़ेंगे, इसी तरह आपको धीरे धीरे हिंदी पढ़ना आ जाएगा. तो सबसे पहले इसमें लिखा है नव. सबसे पहले क्या लिखा है, नव. तो यहाँ पर आपको सीधे नव 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 फिर करना है. दूसरा लिखा है इत्र. दूसरा क्या लिखा है, इत्र. तो इसमें दूसरे वाले बॉक्स में आपको इत्र 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 ये फिर कर देना है. तीसरे नंबर में क्या है, वन. तीसरे नंबर में क्या है, वन. जो आप वन में जाते हो ना, हरा हरा जंगल होता है, वहां पर आप वन में जाते हो घूमने, तो ये वन है. इस वन में भी वन 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 वन. इसके बाद यज्ञ. इसमें भी यज्ञ 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 करना है. अब आइएगा बस. इसमें भी इस लाइन में भी आपको बस फिर कर देना है. ऊपर वाली लाइन छोड़ करके नीचे वाली लाइन में सिर्फ तीन लाइन में आपको दो अक्षर वाले शब्द लिखना है, जिससे आप लिखने के साथ साथ आप दो अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे मिला मिला के. तो आगे जब आपको हिंदी में वर्ग मिलेगा, तो आप दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले, चार अक्षर वाले शब्द धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे. तो धीरे धीरे आपका जो हिंदी पढ़ने का तरीका है ना, वो बेस्ट होगा. अब आइएगा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 में दो वर्ण वाले शब्दों से बने वाक्य. क्या मैंने आपको बताया था ना, वाक्य कैसे बनाया जाता है. इसमें लिखा है हल रख, एक वाक्य हो गया. तुम कहाँ जा रहे हो, एक वाक्य हो गया. तुम क्या कर रहे हो, एक वाक्य हो गया. तो इसमें भी ये लिखा है हल रख. इसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है ना, वाक्य पूरा हो गया आपका ये. तो हल रख, इसमें आपको धीरे धीरे हल रख करना है. इसके बाद इसमें दिया है इसमें आपको दिया है सच कर. क्या लिखा है, सच कर. तो इसमें आपको धीरे धीरे सच कर लिखना है. इसके बाद इसमें लिखा है पत्र पढ़. पत्र पढ़, ये देखो एक लड़की है जो पत्र पढ़ रही है, इसको आप धीरे से पढ़ेंगे और लिखेंगे. इसके बाद आपको इन सारे बॉक्स में ये पूरा ही वाक आपको बनाना है, पत्र पढ़. तो क्या होगा, हल रख सच कह पत्र पढ़. जहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ होता है, इसका मतलब हो गया तुम्हारा वाक पूरा हो गया. तो ये दोनों पेज में आपको होमवर्क करना है, बेस्ट राइटिंग में करना है, बेस्ट राइटिंग में, ठीक है ना. जितना भी वर्क आपको मिलेगा, वो सारा वर्क आप बेस्ट राइटिंग में करके लाएंगे मेरे पास. जिसका भी जितना बेस्ट वर्क होगा, उतनी ही आपको आइसक्रीम टॉफी मिलेगी. ओके, बाय.